क्या आप अपने कंप्यूटर में गेमिंग कंसोल का मजा उठाना चाहते हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा ही गेमिंग कंट्रोलर। इस कंट्रोलर को अगर आप अपने कंप्यूटर में USB के जरिए प्लग इन करोगे तो आप एक ऐसा अनुभव करोगे कि आप एक गेमिंग कंसोल में गेम्स को खेल रहे हो। पर हाँ, ऑब्वियसली आप अपने PC में कभी भी PS4 का गेम या फिर Xbox 360 का गेम नहीं खेल सकते, उसके लिए एमुलेटर्स वगैरह आते हैं, पर ये जो एमुलेटर्स हैं इनके बारे में जो है नॉर्मली काम नहीं करते। जो जितने भी एमुलेटर्स हैं ज़्यादातर केस में ये काम नहीं करता है, तो इसीलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर हाँ, जो भी गेम्स PC में अवेलेबल है, बहुत सारे गेम्स PC में अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी गेम खेल सकते हो। उन गेम को खेलने के दौरान आप इस तरह की गेमिंग कंट्रोलर को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप एक गेमिंग कंसोल में गेम को खेल रहे हो। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इस गेमिंग कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग, और उसके बाद मैं इस कंट्रोलर के ज़रिए आपको गेम्स खेल के भी दिखाने वाला हूँ, और उसके साथ साथ इस कंट्रोलर में बहुत सारे फीचर हैं जिनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो गेम पैड है ये रेड गियर कंपनी का है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है ये ब्रांड। तो इस ब्रांड का ही मैंने यहाँ पे एक गेम पैड को रिसेंटली परचेज किया है। तो ये जो गेम पैड है ये एक वायर्ड गेम पैड है। इसी मॉडल का एक वेरिएंट होता है, वहाँ पे ये जो गेम पैड है ये आपको वायरलेस देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे वायर्ड गेम पैड को ही ख़रीदा है, क्योंकि वहाँ पे आपको बैटरी चार्ज करना पड़ता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने वायर्ड गेम पैड को ही लिया है। तो इसका जो मॉडल है वहाँ पे आप मॉडल देख सकते हो, रेड गियर प्रो सीरीज वायर्ड गेम पैड, सिंपल सा एक मॉडल नेम दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इस गेम पैड में आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड फोर्स फीडबैक। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो गेम पैड है इसके अंदर आपको वाइब्रेटर मोटर देखने को मिलेगा, उसी की वजह से ये जो गेम पैड है ये गेम के सिचुएशन वाइज रिस्पॉन्स करता है। मतलब कि अगर आपने जाके किसी भी गाड़ी को टक्कर मार दी है तो उस टाइम पर ये जो गेम पैड है ये वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है, तो ये एक अच्छा फील देता है। उसके बाद जो दूसरा फीचर है वो है 11 डिजिटल कीज। अब 11 डिजिटल कीज मतलब कि ये जो गेम पैड है इसके ऊपर जितने भी कीज़ है इनके बारे में बात हो रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है इल्यूमिनेटेड ABXY कीज़। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो ABXY की है इसके नीचे एक छोटा सा लाइट दिया हुआ है, उसी की वजह से ये जो ABXY कीज़ है ये ऑब्वियसली रोशनी देता है, छोटा सा रोशनी देता है। तो उसी की वजह से अगर आप अंधेरे में बैठ के भी गेम प्ले कर रहे हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद सिंपल सा चीज़ है, ये विंडोज़ 10 कंपेटेबल लिखा हुआ है, और ये जो गेम पैड है ये विंडोज़ 7, विंडोज़ भिस्ता, विंडोज़ 10 हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। अगर आप इसको विंडोज़ XP में यूज़ करना चाहते हो तो आपको ड्राइवर CD इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो एनालॉग ट्रिगर लिखा हुआ है। अब दो एनालॉग ट्रिगर मतलब गेम पैड की सामने की तरफ दो स्विच दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये दो स्विच के बारे में बात हो रही है। उसके बाद ये जो गेम पैड है इसके साथ आपको 1.8 मीटर का केबल देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा खासा लेंथ केबल में दिया हुआ है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दो एनालॉग स्टिक्स, एनालॉग स्टिक्स मतलब जो रोटरी स्विच है इनके बारे में बात हो रही है। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो चलिए आप कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स। तो इस बॉक्स की अगर मैं कंटेंट्स की बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक यूज़र मैनुअल, एक CD और गेम पैड, और कुछ नहीं है। तो चलिए इस गेम पैड को अपने कंप्यूटर में प्लग इन कर लेते हैं। यहाँ पे प्लग इन करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो गेम पैड है इसके लिए आपको यूज़र मैनुअल को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपको इस गेम पैड की सारे फीचर समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप पहले किसी भी तरह के गेम कंट्रोलर को यूज़ किए हो, PS4 का हो, Xbox का हो, तो कोई इशू नहीं है, तो ये जो गेम पैड है ये बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है। पर अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो आपको एक बार यूज़र मैनुअल को ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए आप इस गेम पैड से कोई एक गेम खेल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे खेलने वाला हूँ वॉच डॉग्स 1 को। तो इस गेम को चालू करने से पहले आपको एक बार इनके कंट्रोल्स में जाके सब कुछ एक बार देख लेना है कि कौन सा की किस काम के लिए असाइन किया गया है। पहले जब आप कीबोर्ड माउस से खेलते थे तब कुछ और सेटिंग्स था, और आप अगर आप गेम पैड से खेलोगे तो ऑब्वियसली कुछ अलग से सेटिंग होगा। तो आपको एक बार यहाँ पे सब कुछ देख लेना है कि कौन सा बटन किस काम के लिए असाइन किया गया है। आप चाहो तो इनको चेंज भी कर सकते हो, पर एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, उनको सबसे पहले आपको देख लेना है। देखने के बाद आप
शुरू हो जाइए, गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इस गेम पैड की क्वालिटी की। तो ये जो गेम पैड है इसमें बहुत ही अच्छा क्वालिटी की प्लास्टिक यूज किया गया है, मतलब बिल्ड क्वालिटी एक शब्दों में ऑसम है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्ट के लिए साइड में थोड़ा सा रबर टाइप का पैड दिया हुआ है, उसकी वजह से आपको हाथ में काफ़ी अच्छा फील होता है। उसके बाद अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पे एक रेड कलर का स्ट्रिप दिया हुआ है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कीज़ की बात करें तो इस गेम पैड में जो कीज़ यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का कीज़ यूज़ किया गया है, चाहे हम यहाँ पे रोटरी स्विच की बात करें या फिर एनालॉग स्टिक्स की बात करें या फिर ए बी एक्स वाई कीज़ की बात करें या फिर डी पैड की बात करें, ये सारे ही काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का स्विच यूज़ किया गया है। अगर हम यहाँ पे यूएसबी केबल की बात करें तो यूएसबी केबल काफ़ी मोटा है और यहाँ पे जो कनेक्टर है यूएसबी का, यहाँ पे कोई भी गोल्ड प्लेटिंग नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगा है। तो यहाँ पे इस गेम पैड में सब कुछ काफ़ी अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है। यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं स्विच की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी स्विच को यूज़ किया गया, चाहे वो रोटरी स्विच हो या फिर ए बी एक्स वाई स्विच हो या फिर डी पैड हो, सब कुछ बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्विच को यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो केबल का क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, 1.8 मीटर का लेंथ देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लेंथ है। उसके साथ साथ यहाँ पे इल्यूमिनेटेड जो ए बी एक्स वाई कीज़ है उसकी वजह से आप अंधेरे में भी गेम खेल सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ए बी एक्स वाई कीज़ के नीचे लाइट जलता है, तो ये अच्छा चीज़ इंक्लूड हो जाता है। अगर हम यहाँ पे कॉन्स की बात करें तो इस गेम पैड में ज़्यादा कॉन्स नहीं है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर होता तो और भी अच्छा होता, जैसे कि यहाँ पे जो यूएसबी कनेक्टर है वो अगर गोल्ड प्लेटेड होता तो काफ़ी अच्छा होता। इस गेम पैड में आपको नॉर्मली दो मोड देखने को मिलता है, एक है एक्स इनपुट मोड, दूसरा है डायरेक्ट इनपुट मोड। यहाँ पे जो एक्स इनपुट मोड है आपको इसी में ज़्यादातर टाइम रहना है, ज़्यादातर गेम्स इसी मोड में चलता है। यहाँ पे जो वॉच डॉग्स में गेम खेला था जैसा मैंने आपको दिखाया वो एक्स इनपुट मोड में ही चलता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट इनपुट मोड का, तो इनको मैंने अभी तक कोई भी गेम पे टेस्ट नहीं किया है, मुझे ऐसा कोई गेम नहीं मिला जो डायरेक्ट इनपुट मोड में चल रहा है। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 से 6 गेम को टेस्ट किया है, जैसे कि वॉच डॉग्स, वॉच डॉग्स 2, फार क्राई 2, फार क्राई 3, फार क्राई 4, फार क्राई 5। इन सारे गेम्स में ये जो कंट्रोलर है ये बाखूबी से काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे ये जितने भी गेम्स हैं ये सारे एक्स इनपुट मोड पे चलता है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट मोड की बात करें तो इनके रिगार्डिंग मुझे कोई भी अभी तक गेम्स नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं कि आप एक्स इनपुट मोड से डायरेक्ट इनपुट मोड में जाओगे कैसे। यहाँ पे अगर आप इस गेम पैड को अपने कंप्यूटर से प्लग इन करते हो तो इमीडिएटली एक्स इनपुट मोड ऑन हो जाता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको डायरेक्ट इनपुट मोड में जाना है तो डायरेक्ट इनपुट मोड में जाने के लिए आपको होम बटन को कुछ टाइम के लिए प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो एलईडी इंडिकेशन है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इनपुट मोड में एंटर कर जाते हो तो पहले वाला लाइट और तीसरा वाला लाइट जलेगा। अब डायरेक्ट इनपुट मोड में भी दो और मोड है, एक है एनालॉग मोड और दूसरा है डिजिटल मोड। अगर आप सिर्फ होम की को कंटिन्यू प्रेस करके छोड़ दोगे तो क्या होगा कि आप एक्स इनपुट मोड से डायरेक्ट इनपुट मोड की एनालॉग मोड में चले जाओगे। उसके बाद अगर आप एक और बार होम को प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट इनपुट मोड की डिजिटल मोड में चले जाओगे। तो बहुत सारे मोड्स हैं पर अभी तक मुझे डायरेक्ट इनपुट मोड का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं मिला, तो इनका अभी मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता कि ये कंट्रोलर डायरेक्ट इनपुट मोड से कैसे काम करेगा। और एक्स इनपुट मोड की बात करें बहुत अच्छा काम करता है, जैसा कि आपने देखा गेम प्ले में काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क करता है। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो का पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस तरह की गेमिंग कंट्रोलर खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाइए और वहाँ से उस कंट्रोलर को परचेस कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर देना, इससे ये होगा ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।